सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। सो पहले के हमने बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, और मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया हुआ था। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उसी इक्वेशन में जब रूट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसी इक्वेशन हो रूट थ्री एक्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस फोर, ऐसी कोई जब इक्वेशन आए तब मुझे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, उसी के जैसा होता है, पर यहाँ पर रूट होता है इसलिए लोगों को डिफिकल्टी फेस होती है। सो आज के वीडियो में इस तरीके से बताऊंगा कि आपको डिफिकल्टी फेस बिल्कुल भी नहीं होगी, और इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि जब भी इक्वेशन में रूट होते हो तब हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री, ऐसी इक्वेशन हो तो हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। देखिए, इसका प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। क्या इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब इसका जो कोफिशियंट होगा यहाँ पर कुछ नहीं तो वन, वन इंटू थ्री थ्री होता है। और हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन थ्री हो और जिसका एडिशन टू रूट थ्री हो। ठीक है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी यहाँ पर साइन के अकॉर्डिंग आएगा वो हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, टू रूट थ्री। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखिए, जब भी ऐसा कोई नंबर हो ना थ्री, तो ये थ्री कैसे बनता है, मतलब दो रूट जब मल्टीप्लाई होते तब जाके थ्री बनता है। रूट थ्री इंटू रूट थ्री जब होता है तब जाके थ्री बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी मैंने बताया था रूट नंबर मल्टीप्लीकेशन, आपने नहीं दिया है तो वो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम रूट को कैसे लिख सकते हैं, वन बाई टू, इस रूट को भी थ्री रेस्ट वन बाई टू। और मैंने उस वीडियो में बताया था जब भी बेस सेम हो तब हम जो घात में जो नंबर होगा, पावर में जो नंबर होगा, उन दोनों का हम एडिशन करेंगे। ठीक है, तो थ्री वन बाई टू प्लस वन बाई टू, ये क्या होगा, वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन, सो थ्री रेस टू वन इज इक्वल टू थ्री। तो क्या आ गया, थ्री आया। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर टू होता तो रूट टू इंटू रूट टू टू होता है, रूट रूट फोर इंटू रूट फोर फोर होता है, रूट इलेवन इंटू रूट इलेवन इलेवन होता है। ठीक है, यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हम यहाँ पर रूट थ्री इंटू रूट थ्री कर सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होगा, और रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री। तो देखिए हमें दो नंबर ऐसे मिल गए जिसका मल्टीप्लीकेशन थ्री है और जिन दोनों का एडिशन क्या होता है, ये टू रूट थ्री। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन सोल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। एक्स स्क्वेयर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस टू रूट थ्री को माइनस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री एक्स हो गया ना, माइनस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री एक्स क्या होगा, टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री। अब इसमें से एक्स कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में से तो बचा क्या, एक्स माइनस रूट थ्री। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में मैं से याद रखेगा, जब जो ये पहला टर्म होगा, मतलब यहाँ पर जो काउस में जो पहला सम आएगा, मतलब पहली इक्वेशन आएगी वही दूसरी इक्वेशन, मतलब आप देखे बिना यहाँ पर लिख लेंगे एक्स माइनस रूट थ्री। अब माइनस हम क्या, अब हम ऐसा क्या कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से कि काउस में जो बचेगा वो एक्स माइनस रूट थ्री होगा। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स ही बचाना है, एक्स तो यहाँ पर है नहीं तो यही से आएगा, तो यहाँ पर एक्स आएगा तो निकलना क्या होगा हमें, रूट थ्री कॉमन निकलना होगा। तो रूट थ्री कॉमन निकाल लेंगे, माइनस रूट थ्री कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से माइनस रूट थ्री चला गया, यहाँ से प्लस थ्री है तो इसमें से माइनस रूट थ्री निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस रूट थ्री। क्यों? क्योंकि थ्री प्लस थ्री है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो प्लस थ्री आएगा, तो यहाँ से हमने माइनस रूट थ्री कॉमन ले लिया तो बचा क्या, माइनस रूट थ्री, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो मतलब इसका मतलब आपने कुछ गलती की है। ठीक है, उसको आपको रेक्टिफाई करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि मैंने क्या गलती की है। तो ये इसको हम पहले कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस रूट थ्री, तो बचा क्या, यहाँ पर एक्स बचा, यहाँ पर माइनस रूट थ्री। ठीक है,
एक्स माइनस रूट थ्री और एक्स माइनस रूट थ्री, तो आंसर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू दोनों में रूट थ्री आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ अगर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बने रहो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स प्लस टू, जैसा मैंने पहले कहा, इसका हम कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर जो वन होगा कोफिशियंट और टू का मल्टीप्लीकेशन और टू रूट टू एडिशन होगा, मतलब दो नंबर ऐसे लेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन टू होगा और एडिशन टू रूट टू। तो जैसे मैंने पहले बताया था, टू को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लेंगे, रूट टू इंटू रूट टू और एडिशन रूट टू प्लस रूट टू आ गया टू रूट टू, यहाँ पर टू आ गया। तो अब हम इसे इक्वेशन में सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इन दोनों में से हम x कॉमन निकालेंगे तो बचा x प्लस रूट टू। अब यहाँ पर x प्लस रूट टू आएगा तो यहाँ पर भी x प्लस रूट टू ही आना चाहिए, यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ से x हमने ले लिया तो बचा क्या, रूट टू, तो इस टू में से प्लस रूट टू निकल गया तो रूट टू बचेगा। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था, रूट टू इंटू रूट टू भी टू होता है और माइनस रूट टू इंटू माइनस रूट टू भी टू होता है। माइनस हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में लिया, यहाँ पर प्लस ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस रूट टू, और फिर इन दोनों को एक्स प्लस रूट टू, तो आंसर क्या आया, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा है, मैंने रूट का बताया है, बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती है इसमें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर अभी भी नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी पूछिए, मैं आंसर दूंगा आपको। और अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।